नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की सुबह में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी मदुरै में घूमने की टॉप 10 जगहों के बारे में, जहां पर आप सभी घूम सकते हैं। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मदुरै में घूमने की टॉप 10 जगहों के बारे में। नंबर 10, थिरुमलाई नायकर महल। दक्षिण भारत के शानदार स्मारकों के रूप में जाना जाने वाला यह महल भारत में मौजूद राष्ट्रीय स्मारकों में से एक है और इस महल को 1636 ईस्वी में राजा थिरुमलाई नायक द्वारा बनवाया गया था, जिससे कि इस पैलेस का नाम थिरुमलाई नायकर महल रखा गया है। और मदुरै के टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल इस महल को देखने के लिए काफी संख्या में टूरिस्ट यहां पर आते हैं। नंबर 9, एंटरटेनमेंट पार्क अति व्यायाम। यह पार्क मदुरै शहर का एक काफी पॉपुलर पर्यटन स्थल है, जो डिंगीगुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लगभग 70 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ एक विशाल वाटर पार्क है। और इस वाटर पार्क के अंतर्गत 7D थिएटर, खाने की व्यवस्था, बच्चों के लिए पार्क और 40 स्पोर्ट्स तथा 20 वाटर राइड्स भी उपलब्ध हैं, जिसका आनंद लेने के लिए पर्यटक इस एंटरटेनमेंट पार्क में आते हैं। नंबर 8, समनागर हिल्स। समनागर हिल्स मदुरै के पास मौजूद किला कोइल कुड़ी नामक गांव में स्थित बेहद ही सुंदर पहाड़ी रॉक कॉम्प्लेक्स है, जिससे मुख्य रूप से तमिल जैन भिक्षुओं के घर के रूप में जाना जाता है। और इस स्थान पर काफी अच्छी अच्छी कलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं, जिससे कि इस स्थान को समनार मलाई के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही इस जगह पर एक काफी सुंदर कमल मंदिर भी है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। नंबर 7, वंदियूर मरी अमन तेपा कुलम। वंदियूर अरी अमन तेपा कुलम एक मंदिर का तालाब है, जो मीनाक्षी अमन मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और तेपा कुलम तालाब मुख्य रूप से धार्मिक त्योहारों के लिए उपयोग किया जाता है। और साथ ही आप यहां से सुंदर सूर्यास्त का शांतिपूर्ण नजारा भी देख सकते हैं। यदि आप शांति के कुछ पल यहां पे बिताना चाहते तो वंदियूर अरी अमन तेपा कुलम घूमने जरूर जाएं। नंबर 6, सेंट मैरी कैथेड्रल। यह शहर के सबसे पुराने चर्चों में से एक, तमिलनाडु के सबसे बड़े कैथोलिक चर्चों में से एक है, जिसकी स्थापना सन 1706 में हुई थी। और इस कैथेड्रल का मुख्य आकर्षण मैरी की मूर्ति है, जो संगमरमर से बनी हुई लगभग 10 फीट ऊंची है। और साथ ही इस कैथेड्रल में साल भर कई सारे त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जिससे कि पर्यटक यहाँ घूमने के लिए काफ़ी संख्या में आते हैं। नंबर 5, गांधी मेमोरियल म्यूजियम। मदुरै के केंद्र में स्थित यह म्यूजियम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में बनवाया गया था। देश के 5 महान गांधी संग्रहालयों में से एक यह म्यूजियम महात्मा गांधी के जीवन का चित्रण करता है। और इस संग्रहालय में आपको खून से सने गांधी जी के कपड़े भी देखने को मिलेंगे। साथ ही यह संग्रहालय लगभग 100 अवशेषों और गांधी जी के बारे में कलाकृतियों की प्रतिकृति का घर भी है। नंबर 4, अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भगवान मुर्गन को समर्पित है, जिसे मुर्गन के 6 निवासों में से एक के रूप में जाना जाता है। और यह मंदिर पहाड़ी के बगल में स्थित भारतीय कारीगरों के अपराजेय कौशल को प्रदर्शित करता है, जहां पर घूमने के लिए अधिक से अधिक संख्या में टूरिस्ट आते हैं। नंबर 3, अलागर कोइल मंदिर। मदुरै के उत्तर पूर्व में स्थित यह एक उत्कृष्ट मंदिर है, जो भगवान विष्णु का विश्राम स्थल है। और अलगर पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर को अजहार कोविल के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान की विभिन्न मुद्राओं में विभिन्न प्रतिमाएं सभी एक ही छत के नीचे मंदिर में रखी गई हैं, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और यह क्षेत्र भगवान विष्णु के कई अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान है। नंबर 2, तिरुपरुकुंडम मुर्गन मंदिर। दक्षिण भारत के तीर्थ स्थानों में से एक इस मंदिर को धरती माँ को समर्पित किया गया है, जो कि विवाह के पवित्र स्थान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस स्थान पर काफी ज्यादा शादियां होती हैं, जिससे कि इस मंदिर को वैवाहिक स्थल के रूप में भी जानना वहाँ की परंपराओं में से एक है। और साथ ही इस मंदिर के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, जिसके कारण दक्षिण भारत के हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। नंबर 1, मीनाक्षी मंदिर। यह मंदिर देवी पार्वती को समर्पित मदुरै शहर का एक प्रमुख टूरिस्ट आकर्षक का केंद्र है, जहां पर दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। और तमिलनाडु नदी के दक्षिण तट पर स्थित यह मंदिर एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, जिसे सन 1623 से लेकर के 1655 के बीच में बनवाया गया था। और इस मंदिर को बनाने के लिए काफी अद्भुत वास्तुकला और कलाकृतियों का प्रयोग किया गया है, जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।